और वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस तैयार करेगी दो वचन पत्र, एक सामान्य और दूसरा महिलाओं के लिए होगा तैयार। वचन पत्र समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वचन पत्र के लिए बनाई गई है 10 उप समितियां। कांग्रेस तैयार करेगी दो वचन पत्र, वचन पत्र के लिए बनाई गई है 10 उप समिति। अलग अलग विभागों वर्गों की दी गई है जिम्मेदारी। 1 जनवरी एक महीने बाद फिर सभी उप समितियों की बैठक होगी। जानकारियों के माध्यम से तैयार होगा घोषणा पत्र का ड्राफ्ट। कुलभूषण हमारे संवाददाता स्तर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कुलभूषण, क्या जानकारी मिल रही है? अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दो वचन पत्र इस बार तैयार करेगी, फिलहाल इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, वचन पत्र समिति की आज बैठक हुई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये बैठक ली। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि महिलाओं के लिए एक अलग वचन पत्र जो है कांग्रेस तैयार करेगी। इसके साथ ही एक वचन पत्र अलग से तैयार किया जाएगा जिसमें तमाम मुद्दों को शामिल किया गया है। पुरानी पेंशन योजना, किसान कर्ज माफी सहित युवाओं को रोजगार देना, ऐसे तमाम मुद्दे जो है वचन पत्र की आज की बैठक में जो है रखे गए हैं और इसके साथ ही इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। 2018 में किसान कर्ज माफी का जो एक बड़ा ऐलान कांग्रेस ने किया था, उस ऐलान के बाद मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो इस बार जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक का जो है कर्ज कांग्रेस माफ कर सकती है, ऐसी घोषणा जो है वचन पत्र में शामिल कर सकती है। इसको लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र रखा है और इस वचन पत्र को अब दो हिस्सों में महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग जो है वचन पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन इस बार देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से दो वचन पत्र की बात की जा रही है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है कांग्रेस का, क्योंकि महिलाओं के लिए वचन पत्र और कौन कौन से वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो वचन पत्र में शामिल किए गए हैं। जैसे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियों को उच्च शिक्षा देना और हाईटेक जो है क्लासेस बना के देना, इसके साथ ही कैसे जो है जो बच्चियों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं बढ़ती नजर आती हैं, घटनाओं को रोकना, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। महिलाओं को रोजगार देने सहित महिलाओं के उत्थान के लिए जो है कांग्रेस कैसे आगे कामकाज करेगी, इसको लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा की है। कमलनाथ ने सभी जो समिति के सदस्य हैं उनसे अलग अलग सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही जल्द ही कांग्रेस एक और अभियान शुरू करेगी जिसमें जिले स्तर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे, आम जनता से रूबरू होंगे और रूबरू होने के बाद जो उनकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को भी वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।